Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. दोस्तों आज के इस वीडियो में यार मैं आपको टोटल 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ। एक्चुअली 5 नहीं है, 6 है, एक बोनस टिप भी है आपके लिए। खैर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिनको यार मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ जब भी मैं किसी मैच में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ, जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और दोस्तों पिछले कुछ सालों में ना यार मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया है। अब एग्जैक्टली मैं अपना अमाउंट तो यहाँ पर बता नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब स्ट्राइक वगैरह का चक्कर रहता है, लेकिन आपको आइडिया होगा यार। आपको पता है अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हों तो वहाँ पर जो भी मैच होता है जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसमें जो मेरी विनिंग होती है उसके स्क्रीनशॉट वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो उनको देख के आपको आइडिया होगा कि मतलब मेरी विनिंग कितनी रहती है। आपको भी पता बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो भाई यार बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है। क्यों जुड़ जाना है? क्योंकि जो भी टीम, जिस भी टीम से मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ ना, वो टीम वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ सबके लिए, ठीक है। वहाँ पर हम गिव अवेज वगैरह करते हैं, वहाँ पर हम स्मॉल लीग कवर करते हैं, ग्रैंड लीग कवर करते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है दोस्तों वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इस वीडियो पर जितने कमेंट है ना सबसे ऊपर वाला कमेंट उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। बहुत सारे लोग दोस्तों ऑलरेडी वहां पर हमसे जुड़े हुए हैं और रेगुलरली एकदम फ्री में हमारी टीम्स का, गिव अवेज का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी ऑफकोर्स प्रॉफिट कमाना है तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ ही जाना है। अभी जाकर जुड़ना चाहो तो अभी जाकर जुड़ जाओ, इस वीडियो को खत्म करने के बाद जुड़ना चाहो तो बाद में जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों वो जो टेलीग्राम चैनल है ना यार वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत प्रॉफिट करवाएगा। खैर दोस्तों बात करें देखो यार हम कुछ सालों पहले की, तो जैसे मान लो 2019 की बात करते हैं, उस टाइम पे क्या था कि ये जो जितने भी एप्लीकेशन है ना ड्रीम इलेवन वगैरह उन पर इतना कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन इतना ही था। और अगर कोई भी बंदा एक नॉर्मल स्ट्रेटजी से, नॉर्मल थिंकिंग से अपनी टीम बनाता था तो भी उस मैच में विन कर लेता था, उस मैच में प्रॉफिट कमा लेता था। लेकिन धीरे धीरे जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ता गया और लोगों की जो स्ट्रेटजी है, लोगों की जो थिंकिंग है वो पुरानी वाली रह गई और उसी की वजह से उनका लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ ना यार उनको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। सुन सब लेते हैं, समझते बहुत कम है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ देना, क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये वाला वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। अब दोस्तों देखो यार आप किसी मैच में जब इन्वेस्ट करते हो तो इस मैच में आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे वो किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो वो चीज़ डिपेंड करेगी आपके कॉन्टेस्ट के ऊपर कि आप कौन से कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, ठीक है। और कॉन्टेस्ट के ऊपर भी सिर्फ एक बात नहीं है, 3-4 फैक्टर हैं सिर्फ कॉन्टेस्ट के अंदर जिनके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है। उसके अलावा दोस्तों टाइमिंग, कि आप कौन से टाइम पे वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, आपकी टाइमिंग सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टमेंट, और भाई 90% से ज़्यादा लोगों का, मैं आपको सही बात बताऊँ, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है और वो इन्वेस्ट करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता कैसे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है एक, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है एक, तो आपकी विनिंग के जो चांसेस है ना वो 70% से भी ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों लास्ट में आपकी टीम, ऑफकोर्स कि आप जो टीम बना रहे हो वो किस तरीके से बना रहे हो, आप जिन प्लेयर्स को अपनी टीम में सेलेक्ट कर रहे हो उनके बारे में आपको लिटरली जानकारी है कि या फिर आप हवाबाजी में ही अपनी टीम बना रहे हो। और दोस्तों टीम के बारे में तो देखो मैंने आपको बता दिया, आपको टीम के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दो काम में बोलूंगा, आपको वो दो काम कर लेने हैं, दोनों काम एकदम फ्री है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अपना ये चैनल पिछले कई सालों से चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रेगुलरली हम स्मॉल लीग कवर करते हैं, ग्रैंड लीग कवर करते हैं, गिव अवेज लाते रहते हैं, जिनका फायदा लाखों लोग पिछले कई टाइम से एकदम फ्री में उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, आगे भी प्रॉफिट कमाते रहेंगे। तो दोस्तों देखो पहला काम जो आपको करना है वो कुछ भी नया काम नहीं है, कुछ भी बड़ा काम नहीं है, आपको वही काम करना है जो 4 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला, जिस भी भाई ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ बगल में दोस्तों जो बेल आइकन आए उसे भी दबा के ऑन कर लेना। उससे क्या होगा कि जितनी भी अपडेट मैं आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊंगा वो सारी अपडेट आप तक सही सलामत पहुंचती रहेंगी, और जब तक आपके पास अपडेट पहुंचती रहेगी तब तक आपकी विनिंग होती रहेगी, ठीक है। तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। लाखों लोगों ने दोस्तों हम पे भरोसा दिखाया क्योंकि उनका प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा काम दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों देखो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टेस्ट के बारे में, सबसे पहले एक मेन चीज के बारे में, ठीक है। तो यार एक सवाल आता है कि भाई कौन से कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करूं। देखो कॉन्टेस्ट में यहां पर बात कर रहा हूं स्मॉल लीग की, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो ग्रैंड लीग के बारे में आपको आगे वीडियो में पता लगेगा, चिंता मत करो, ठीक है। स्मॉल लीग की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि भाई मैं कॉन्टेस्ट कौन से ज्वाइन करूं, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूं जिसमें मैं हूं और मेरा एक अपोनेंट है, अगर मैं 3 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूं तो वो कैसा रहेगा जिसमें मैं हूं, 2 अपोनेंट है, 4
फोर मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँ तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। देखो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने होते हैं या तो हेड टू हेड या फिर थ्री मेंबर। आप जब भी कोई स्मॉल लीग की टीम बनाते हो, जब आप हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी टीम देखते होंगे, तो उसमें आपको क्या दिखता है, स्मॉल लीग की एक टीम होती है जिसमें हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, कोई हाई फाई रिस्क नहीं लेते, एकदम छोटा हल्का फुल्का रिस्क लेते हैं जिससे कि अपनी जो टीम है वो थोड़ी स्टैंड आउट परफॉर्म कर जाए और अच्छा प्रॉफिट अपने को हो जाए। पिछले कई सालों से अपन यही काम कर रहे हैं और इसीलिए हम इतना अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। अब दोस्तों वो जो टीम हम बनाते हैं जिसमें हम कोई ज़्यादा खास रिस्क नहीं लेते हैं, एकदम हल्का फुल्का एक अच्छा रिस्क लेते हैं, उससे क्या होगा कि आप एक अपोनेंट को तो हरा दोगे, हेड टू हेड में जीत जाओगे, ठीक है। जो तीन मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें भी आप दो अपोनेंट को भी मान लो हरा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार जैसे उससे ऊपर के कॉन्टेस्ट आते हैं, फोर मेंबर फाइव मेंबर, अब आप खुद सोचो, फोर मेंबर कॉन्टेस्ट ही मान लो, उसमें आपके तीन अपोनेंट है, तीन में से मान लो एक अपोनेंट की भी टीम आपकी टीम से थोड़ी सी भी अच्छी आ गई, उसके एक पॉइंट भी अगर एक्स्ट्रा आ गया तो फिर आपके हाथ में कोई क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, है ना। इसीलिए दोस्तों आपको जो नॉर्मल स्मॉल लीग की टीम होती है उससे आपको हेड टू हेड ज्वाइन करने होते हैं, थ्री मेंबर ज्वाइन करने होते हैं। मैं खुद का बताता हूँ, मेरा जो भी इन्वेस्ट करने का बजट रहता है उसमें से 50% अमाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ हेड टू हेड टू मेंबर कॉन्टेस्ट में, उसके अलावा जो बचा हुआ 50% अमाउंट होता है वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ थ्री मेंबर में, ताकि मेरे को अच्छा एक प्रॉफिट एक मैच से मिल जाता है। और अपना आखिरकार टारगेट यही है कि मैच से अपने को प्रॉफिट निकालना है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फोर मेंबर फाइव मेंबर कॉन्टेस्ट खेलने ही नहीं है। मैं खुद खेलता हूँ यार फोर मेंबर कॉन्टेस्ट, मैं खुद खेलता हूँ फाइव मेंबर कॉन्टेस्ट, लेकिन उसकी एक अलग शर्त होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यार क्या होता है कि हर कुछ मैच के बाद एक मैच ऐसा आता है जो थोड़ा रिस्की होता है, आपको भी बताएं, उसमें कई मैच ऐसे आते हैं जिनमें यार हमको कोई ना कोई बड़ा प्लेयर ड्रॉप करना होता है, कोई ना कोई रिस्की प्लेयर अपने को अपनी टीम में उठाना पड़ता है, कोई ना कोई मेन प्लेयर अपनी टीम से ड्रॉप करना होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जिसमें हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन थोड़े रिस्की बनाने पड़ते हैं। तो ऐसी टीम जब आपने बना ली मान लो, तो उसमें क्या हुआ कि आपने ऑलरेडी रिस्क ले लिया। अब इसके दो ही काम हो सकते हैं, या तो आपका वो रिस्क चलेगा या फिर आपका वो रिस्क नहीं चलेगा। अगर रिस्क चल गया तो फिर आप एक को क्या दो क्या तीन को भी आराम से हरा सकते हो, चार को भी आराम से हरा सकते हो आपके अपोनेंट को, लेकिन अगर रिस्क नहीं चला तो फिर आप एक को भी नहीं हरा पाओगे। तो जब भी आपकी रिस्क की टीम बनती है, और रिस्क की टीम बनेगी रिस्की मैच में, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताता रहता हूं कि ये वाला मैच रिस्की है, इसमें रिस्की टीम बनेगी, तो उन मैच में आपको क्या करना होता है कि उस रिस्की टीम को लो और फोर मेंबर फाइव मेंबर में कूद जाओ। उससे क्या होगा कि एक तो आपको अगर रिस्क चल गया तो बहुत अच्छा प्राइज मिल जाएगा, क्योंकि फोर मेंबर फाइव मेंबर में ऑफ कोर्स आपकी एंट्री फीस कम लगती है और प्राइज बहुत ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, हेड टू हेड और थ्री मेंबर कॉन्टेस्ट आपको कब ज्वाइन करने चाहिए, फोर मेंबर और फाइव मेंबर कॉन्टेस्ट आपको कब ज्वाइन करने चाहिए। अब दोस्तों कॉन्टेस्ट में ही मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, और ये वाली जो टिप है ना आपको बहुत पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले यार जिस भी भाई ने अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो वो भी यार वीडियो को लाइक जरूर करो। देखो आपके लाइक से नहीं तो मेरे को कोई पैसे मिलते हैं, नहीं आपके कोई पैसे लगते हैं, लेकिन यार वो देख के अच्छा लगता है कि यार आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हो। तो आपके लिए ऐसे ही बेटर से बेटर वीडियोस, बेटर से बेटर टीम्स एकदम फ्री में, जैसे मैं पिछले कई सालों से प्रोवाइड करवा रहा हूं, ऐसे ही प्रोवाइड करवाते रहने का मन करता है, ठीक है। तो एक सेकंड लगेगा, आपके भाई का ही वीडियो है, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो वो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ना। खैर दोस्तों बात करें अपन नेक्स्ट टिप की, तो दूसरी बात आ जाती है कि आपको कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने होते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास आता है कि यार कॉन्टेस्ट में कितने ज्वाइन करूं। सबसे बड़ी बात, और बहुत सारे लोग यहां पर गलती करते हैं, आपको सिंगल कॉन्टेस्ट कभी भी ज्वाइन नहीं करना है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मान लो मैं आपको समझाता हूं, आपका बजट है एक मैच में इन्वेस्ट करने का 5,000 रुपए, ठीक है। अब किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। अब कई लोग क्या करते हैं, उन 5,000 रुपए को लेते हैं, 5,000 रुपए का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया और साइड में बैठ गए, या फिर मान लो कि 2-3 हजार के एक दो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया और साइड में बैठ गए। भाई आपको ऐसा कभी भी नहीं करना होता, आप यार 5,000 का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, उससे अच्छा उन 5,000 को 5 भागों में काटो, 1,000-1,000 के 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, या फिर 10 भागों में काटो, 5-500 के 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। उससे फायदा क्या होगा कि मान लो कि आपका कोई दिन खराब है, ठीक है, आपने एक कॉन्टेस्ट लगा दिया 5,000 का, आपका एक अपोनेंट आया, आपकी टीम अच्छी है कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपोनेंट की टीम आपसे एक पॉइंट ज्यादा लेके आ गए, तो आपके टोटल 5,000 का चूना एक फटके में पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा। लेकिन अगर आपने वहीं पे उसी चीज़ को थोड़ा स्मार्टली हैंडल किया होता, अगर आपने 5,000 को मान लो कि 10 कॉन्टेस्ट में ज्वाइन किया होता आराम आराम से, 500 का एक कॉन्टेस्ट, 700 का एक कॉन्टेस्ट, 300 का एक कॉन्टेस्ट, ऐसे कर करके 5,000 में आपने आराम से 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए होते, तो आपका दिन खराब भी हो, आपका एक अपोनेंट मान लो कि आपसे थोड़ी बेटर टीम लेके आ भी जाए, लेकिन फिर भी बचे हुए कॉन्टेस्ट में तो आप जीत जाओगे, बचे हुए कॉन्टेस्ट में तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। और अगर आपने 10 में से 8 कॉन्टेस्ट जीत लिए,
नो कॉन्टेस्ट जीत लिए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा लोगे। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सिंगल कॉन्टेस्ट आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है आपका। चाहे बजट कम हो, चाहे आप 100 रुपए ही एक मैच में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी यार आपको कम से कम भी 2-3 कॉन्टेस्ट तो ज्वाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो टाइमिंग के बारे में। अब आप में से कुछ लोगों ने ये बात सुनी होगी, भाई टाइमिंग तो कोई मैटर करता ही नहीं है, जो भी ये बात बोल रहे हैं ना आधा अधूरा ज्ञान के व्यक्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिर्फ पागल बना रहा है, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ कि टाइमिंग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले नहीं करता जितना कॉन्टेस्ट करता है, जितना इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन टाइमिंग भी होना जरूरी है, टाइमिंग से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का सही टाइम क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का सही टाइम क्या नहीं है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सबसे पहली बात तो जब आपकी फाइनल टीम बन जाती है, टॉस होता है, टॉस होने के बाद अपने को 20-25 मिनट मिलती है फाइनल टीम बनाने के लिए। कुछ लोग पहले फाइनल टीम बनाते हैं और लास्ट के 5-10 मिनट में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कब ज्वाइन नहीं करना है, जब टॉस एकदम नजदीक हो, ठीक है, आपको पता है कि 10 मिनट में टॉस होने वाला है तो मैं कॉन्टेस्ट फटाफट ज्वाइन कर लेता हूं, ये काम भी आपको कभी नहीं करना। अब दोस्तों इस चीज को मैं ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन कॉन्टेस्ट कब ज्वाइन करने चाहिए वो मैं आपको एकदम सिंपल सी बता देता हूं, जब मैच स्टार्ट हो रहा हो उससे आराम से आप 3 घंटे पहले आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मान लो कि टॉस हो गया, अब टॉस होते ही अगर आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो, पहले टीम मत बनाओ, पहले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो उसके बाद आप अपनी टीम को मॉडिफाई करो, तो ये दो आप काम कर सकते हो, इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, चिंता मत करो, ये काम मैं करता आया हूं इसीलिए बता रहा हूं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम आ जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको बताया 90% लोगों के पास तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ही नहीं होती। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसको ध्यान से सुनना, फिर आपके जो प्रॉफिट है ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लग जाएंगे और ये बात आप खुद नोटिस कर लोगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपका जितना भी बजट है वो सारा बजट आपको एक मैच में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं जो बोलते हैं भाई आज मैं अपनी टीम दूंगा, इस मैच में हाई इन्वेस्ट कर दो। अरे जाओ रे यार, उसकी बात मत सुना करो, ठीक है, वो आपका नुकसान करवा के बैठ जाएगा, वो आपके पैसे डुबवा के चला जाएगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपका अनसेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं 40% रूल। अब इसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है कि आपका जितना भी बजट है, आपके वॉलेट में जितने भी पैसे पड़े हैं, उसका सिर्फ 40% अमाउंट आपको एक मैच में इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा आपको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, मान लो कि आपके वॉलेट में 10,000 रुपए पड़े हैं, अब कोई भी मैच आ गया उसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना है, 4,000 रुपए, अगर वो नॉर्मल मैच है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं टेलीग्राम पे चैनल पे बोल रहा हूँ कि यार ये वाला जो मैच है ना ये काफी अच्छा है, ठीक है, इसमें ये 2 ट्रंप कार्ड हैं जिसको कोई भी नहीं लेगा, जिसको मैं अपनी टीम में रखूंगा, जिसको जिस मैच में मैं हाई इन्वेस्ट करूंगा, तो हो सकता है आपके भी हाई इन्वेस्ट करने की इच्छा हो जाए। अगर आपकी हाई इन्वेस्ट करने की इच्छा हो भी जाती है तो आपको 40% जो रूल मैंने आपको बताया उसको 45% कर देना है, ज्यादा से ज्यादा जिस मैच में आप 40% इन्वेस्ट करने वाले हो उसमें ज्यादा से ज्यादा 45% कर लो, उससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ना। जैसे कि आपके वॉलेट में 10,000 रुपए पड़े हैं, नॉर्मल मैच है, आपको सिर्फ 4,000 रुपए ही उस मैच में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर आपके मान लो कि अंदर की फील बोल रही है कि भाई थोड़ा सा इस मैच में मेरे को भी इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है कि इस 4,000 को आप 4,500 बना दो, लेकिन उससे ज्यादा आपको किसी भी हालत में इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों ये 40% रूल है ना, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। जब आपका किसी मैच में प्रॉफिट हो जाता है तो भी आपको बहुत प्रॉफिट मिलता है इसकी वजह से, और जब आपका मान लो खुदा ना खास्ता लॉस हो जाता है तो भी इस रूल की वजह से आपको बहुत हेल्प मिलती है। मैं आपको थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करता हूं क्या आपको हेल्प मिलती है। जैसे मान लो आपके वॉलेट में 10,000 रुपए, आपने 40% अमाउंट यानी कि 4,000 रुपए किसी मैच में लगा दिए और इस मैच में मान लो कि आपने जीत लिए, इस मैच में प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया आपके वॉलेट में कितने हो गए, अब मान लेते हैं कि 12,000 रुपए हो गए, 2,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, टोटल 12,000 रुपए अब आपके वॉलेट में पड़े हैं, तो अब आपको नेक्स्ट मैच में कितना इन्वेस्ट करना है, 12,000 का 40%, जो कि कितना हो गया, लगभग 4,800-5,000 रुपए के समथिंग इन्वेस्ट हो गया। तो अब एक बात आपने नोटिस की, आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया, उस मैच में आपका प्रॉफिट हुआ और नेक्स्ट मैच में आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, और यही आपको करना होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होता है। अब नेक्स्ट मैच में आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट हुआ था वो भी बढ़ा, ठीक है, नेक्स्ट मैच में आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा ज्यादा इन्वेस्ट होगा, ज्यादा इन्वेस्ट होगा ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो ये लेडर चलती रहती है और ऐसे ही आपका प्रॉफिट जो बनता है, ठीक है, इसी को रियल प्रॉफिट कहते हैं। और दोस्तों मान लो कि खुदा ना खास्ता पहले मैच में आपका लॉस हो गया, आपके पास 10,000 रुपए थे, 4,000 रुपए आपने एक मैच में लगाए, 4,000 के 4,000 रुपए डूब गए। अब देखो इस रूल की वजह से एक तो आपको पूरे 10,000 का
का फटका नहीं पड़ा। अगर आप सारे रुपए लगा देते हैं तो फिर हार के बैठ जाते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अब आपके पास 6,000 रुपए हैं उस लॉस को कवर करने के लिए और आगे प्रॉफिट बनाने के लिए। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट मैच में उस 6,000 का 40% लगाओ, 2,400, ठीक है, उससे प्रॉफिट आएगा। फिर जो भी मार्जिन बनेगा उसके 40% लगाओ, ठीक है। तो ये रूल आपको बहुत हेल्प करता है। अब दोस्तों इसी रूल में एक मॉडिफिकेशन मैं आपको बताता हूं। जब मान लो कोई रिस्की मैच है, वही बात आ जाती है, रिस्की मैच है, तो आप इन्वेस्ट कहां करोगे? हेड टू हेड 3 मेंबर में तो करने से रहे, 4 मेंबर और 5 मेंबर में करोगे, ठीक है। क्या 4 मेंबर और 5 मेंबर में भी 40% अमाउंट इन्वेस्ट करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिस्की मैच है, उसमें आपको तुरंत अमाउंट आधा कर देना है, 20% इस मैच में इन्वेस्ट करो। क्योंकि होगा क्या, 4 मेंबर और 5 मेंबर कोई कॉन्टेस्ट है, ठीक है, उसमें आप मान लो कि आधा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हो, 4,000 की जगह 2,000 रुपए ही मान लो कि 4 मेंबर या 5 मेंबर कॉन्टेस्ट में लगा रहे हो, अगर आपका उस मैच में रिस्क चल गया, क्योंकि रिस्क की टीम बनेगी, रिस्क की मैच है तो, और उस मैच में अगर आपका रिस्क चल गया तो वो जो 4 मेंबर और 5 मेंबर कॉन्टेस्ट है वो आपको प्रॉफिट अच्छा दे देंगे, प्रॉफिट लगभग उतना ही दे देंगे जितना आप 40% अमाउंट इन्वेस्ट करके कमाने वाले थे। लेकिन अगर आपका मान लो कि खुदा ना खास्ता यहाँ पर लॉस हो गया, क्योंकि रिस्की मैच है, लॉस हो सकता है, और अगर लॉस हो गया तो आपका सिर्फ आधा अमाउंट ही जो है वहाँ पर गया, आपका पूरा अमाउंट 40% वहाँ पर नहीं डूबा। और अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही एक बात जो मैं आपको अब और बताने वाला हूँ ना, ये वाली गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं। आपको क्या नहीं करना है वो बात सुनो। ग्रैंड लीग में कभी भी एक टीम लेके कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं टेलीग्राम पे अपनी टीम प्रोवाइड करवा दूँ, मैं स्पेसिफिकली उसके नीचे लिखता हूँ कि ये वाली टीम स्मॉल लीग के लिए है, हेड टू हेड के लिए है, 3 मेंबर के लिए है। अगर कोई रिस्की मैच होता है तो मैं उसके नीचे लिखता हूँ कि भाई ये रिस्की मैच है, इसमें आप चाहो तो 4 मेंबर ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ऐसा मैं बताता हूँ। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उस टीम को कॉपी करते हैं और फिर जाके ग्रैंड लीग में कूद जाते हैं जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस लीग में कूद जाते हैं। मेरे को नहीं पता कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं तो ये टीम कॉपी करके भी इस ग्रैंड लीग में जो फर्स्ट प्राइज है लाखों के वो जीत लूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो यार देखो आपको गलत लगता है, क्योंकि मेरी टीम लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, उन लाखों लोगों ने भी मान लो ग्रैंड लीग में ज्वाइन कर लिया तो सारा क्लेश हो गया, बट्टा साफ हो गया, ठीक है। तो आपको वो काम नहीं करना है। स्मॉल लीग की टीम है तो स्मॉल लीग में ही जाओ, ग्रैंड लीग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे सही बात बता रहा हूं, आपको कम से कम भी 5 टीम बनानी चाहिए, ठीक है। और उस हर एक टीम में अगर 5 से ज्यादा टीम बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपके पास 5 टीम होनी चाहिए और हर एक टीम में आपके पास कोई ना कोई अलग अलग रिस्क होना चाहिए। किसी टीम में आपने किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप किया है, दूसरी टीम में आपने मान लो कि कोई कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की बना दिया, ठीक है, ऐसे रिस्क आपके होने चाहिए और फिर जाके आप ग्रैंड लीग ज्वाइन करो। अब बहुत सारे लोगों के यार मेरे पास भी मैसेज आते हैं, इसीलिए मैंने ये वाली टिप जो है वीडियो में इंक्लूड की है। वो लोग क्या करते हैं, मेरी टीम कॉपी करते हैं जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं और वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं ग्रैंड लीग का, फिर आते हैं भाई मैंने तो यार 49 रुपए इन्वेस्ट किए थे, मेरे को तो 49 रुपए वापस मिल गए, मेरा तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो भाई प्रॉफिट नहीं होगा, वो स्मॉल लीग की टीम है, आप ग्रैंड लीग में जा रहे हो, ग्रैंड लीग में अगर आपको टीम बनानी है तो थोड़ी और ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी और थोड़े और ज्यादा मल्टीपल टीम्स आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको टीम के बारे में बता देता हूं। देखो यार टीम के बारे में कुछ भी नहीं है, आपने टीम बनाई, टीम जो मैं आपको प्रोवाइड करवाई देता हूं टेलीग्राम यूट्यूब पे, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या करना होता है कि टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी सिलेक्ट करना होता है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको पता होना चाहिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी जीत में, आपकी हार में। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपने सही सेलेक्ट कर लिए तो फिर आपके जीतने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अगर आपको दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है तो देखो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर सेपरेटली मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों लास्ट में जो मैं बोनस टिप आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं वो सुन लो, ये भी आपको बहुत फ्रॉड से बचाएगी, ठीक है। आपको सिंपली एक काम करना है कि पेड टीम्स के पीछे नहीं भागना है। आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कि प्रॉमिस करेंगे कि भाई तेरे लिए तो चांद तारे ही तोड़ लाऊंगा मैं, तू तो बस मेरे 1,000 रुपए का पैकेज ले लिए, ग्रैंड लीग भी जितवा दूंगा, स्मॉल लीग भी जितवा दूंगा। भाई उन सबसे आपको दूर रहना है, ठीक है। मार्केट में 90% लोग फ्रॉड हैं जो कि पेड टीम देते हैं, कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन फिर भी यार आपको पेड टीम के पीछे क्यों भागना है। हम यहाँ पर एकदम फ्री में टीम्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, अच्छी खासी विनिंग कर रहे हैं, लाखों लोग विनिंग कर रहे हैं। आप खुद सोचो ना यार, आप एक ऐसे बंदे को अपने पैसे ट्रांसफर करने वाले हो जिससे आप कभी मिले ही नहीं हो। भाई कोई फैंटेसी का विराट कोहली थोड़ी है वो, जिसको सब लोग जानते हैं, जो कि एकदम जेन्युइन है, वो कभी भी आपके पैसे लेके भाग जाएगा, आप क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पेड टीम के चक्कर में नहीं पड़ना है। और दोस्तों यार विराट अब आई गया है तो विराट कोहली से रिलेटेड एक सवाल है जो मेरे दिमाग में है, मैं पूछ लेता हूं यहां पर, ठीक है। आपको क्या लगता है, देखो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, विराट कोहली की टोटल 70 सेंचुरी हो चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट में,
ठीक है, आपको क्या लगता है जब तक विराट कोहली रिटायरमेंट लेंगे, और रिटायरमेंट लेने में अभी बहुत टाइम है ऑफ कोर्स, लेकिन जब तक विराट कोहली रिटायरमेंट लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या वो 100 शतक कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ठीक है, इसका आपको क्या लगता है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। बाकी दोस्तों यार, मैंने आपको इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई, जितनी भी टिप्स बताई, अगर उनमें से 1% भी आपको कहीं ना कहीं डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, जो भी ड्रीम इलेवन वगैरह खेलते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।